मनोज, मैं पूर्वांचल पर आना चाहती हूँ। 26 सीटें हैं पूर्वांचल की, और ये ऐसा इलाका है, यहां पर आपने जो गणित फैलाया ओबीसी प्लस दलित का, आपने यादवों की पार्टी होने के ठप्पे को मिटाने की कोशिश की, ओबीसी को टिकट दिया, दलितों को टिकट दिया, और पूर्वांचल आपके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस भी है। और 19 की सफलता भी आपके सामने, लेकिन उस समय मायावती थी, इस बार मायावती है नहीं, तो फिर कौन किस तरीके से जीत के घोड़े पर सवार दिखती है समाजवादी पार्टी? भाई आंकड़ा कोई पक्ष में नहीं, मात्र गाजीपुर और घोसी, अगर मैं मायावती को भी जोड़ लेती हूं तो। गरिमा, आपका जो सवाल है कि किस तरह से जीत के घोड़े पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन दिखती है, उसके बारे में दिनकर की एक लाइन है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलितीय स्क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो निश्चित रूप से उसकी समाजवादी पार्टी होगी। और मैं अनेकों संवादों में आपसे कह चुका हूं कि हमारे नेता ने डेली हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, और आपने जो स्वतः इस देश में पहले ही ऐसे आपने रैलियां देखी होंगी कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, लाखों लाखों हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। लोगों का जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी को सुनने, चाहे वो फूलपुर में आए हों, चाहे वो बनारस में आए हों, चाहे वो इलाहाबाद में आए हों, आपने देखा होगा। और हमारे जो कैसे ये टूटेगा, आपने जो बात कही, कभी हम लोग यादव की पार्टी नहीं रहे। आप इसको समग्रता से देखिए ना, 57 सीटों पे है। एक बार लोहिया का भी, जिस धरती से मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, चंदौली से, चंदौली समाजवादी पार्टी जीत रही है, मिर्जापुर समाजवादी पार्टी जीत रही है, सोनभद्र समाजवादी, एक क्वेटो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, मैं जो बात कर रहे मनोज सिंह आपके साथ चार, मिर्जापुर का फासला देखिए उठाकर, अनुप्रिया पटेल कितने मार्जिन से जीती है। मैंने फासला सब देखा, अनुप्रिया पटेल का और उनके सामंती, जो उनके जीवन साथी है, उनका सामंती व्यवहार मिर्जापुर के दलित पिछड़े देख रहे हैं। और वो दलित पिछड़ा तबका ये जान चुका है उत्तर प्रदेश का कि उसका जो पीडीए का गठबंधन है, वही उसके संविधान और आरक्षण बचाने की अवधारणा है। ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ये जान गया कि इस देश में पहला ऐसा नेता अखिलेश यादव है जो देश के सदन से लेकर के और सड़क तक इस आवाज को, इस अवधारणा को बड़ा किया कि जब 10% आरक्षण आप देश के 5-6% आबादी को दे सकते हैं, तो आप ये जो आरक्षण में 50% का जो गैप है इंदिरा साहनी का, उसको खत्म करिए और जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। तो ये आपके लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन मनोज, ये तो मानते हैं आप कि पूर्वांचल का सारा गणित ओबीसी और दलित वोटर पर टिका है। आप ओबीसी दलित जिधर जाएगा वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार जीत जाएगा। बिल्कुल आपका सही सवाल है। और ओबीसी दलित अल्पसंख्यक और जो समाजवादी सोच का, जो मानवीय सोच का, प्रगतिशील सोच का समर्थ है, वो भी हमारे यहाँ तो चंदौली में प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह है। मनोज, एक सेकंड, वो सब समाजवादी पार्टी के खड़े हुए सारे पिछड़ों के नेता, अनुप्रिया पटेल, ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद, सारे पिछड़ों के नेता इधर एनडीए में खड़े हुए। ये पिछड़ों के नेता नहीं, दुर्भाग्य से ये सत्ता लोलुपता के नेता है। ये कभी पिछड़ों के जो सवाल थे, उनके जो समस्या थी, उसके साथ कभी खड़े नहीं हुए। पिछड़ों के नेता जो थे, आप देख लीजिए बाबू कुशवाहा किसके साथ खड़ा है, आप देख लीजिए लालजी वर्मा किसके साथ खड़ा है, आप देख लीजिए अवधेश प्रसाद किसके साथ खड़ा है, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन मंडल कमीशन को लेकर के और आरक्षण को लेकर के खपाया, वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो कितनी सीटें हैं पूर्वांचल की? मुझे 26 में से आकलन बता दीजिए मनोज आपका। 26 पूछ रही हूँ सर, 80 नहीं पूछ रही। कल मैं कह रहा हूं कि कल उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं चंदौली का, उत्तर प्रदेश में कल बनारस पर थोड़ी लड़ाई है, बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। मैं आपसे कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि आपसे चार को भी मुझे संवाद करना है, चार को भी आपको हमें संवाद में बैठना है।
क्योंकि देश के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान के बहाने जिस प्रधानमंत्री की इतनी दायित्वहीनता है कि संविधान के किसी भी पक्ष और प्रस्तावना के प्रति जो जरा सा भी प्रतिबद्ध ना हो, सिर्फ अपने वैभव विलास के दृष्टिकोण को ही इस देश के मरते और इस देश के दुश्वारी झेलते हुए किसानों को वो नहीं देख पा रहे हैं, अपने वैभव विलास के दृष्टिकोण को भी देश का दृष्टिकोण। पूर्वांचल में ही लिटमस टेस्ट होना है आपके नैरेटिव का, बीजेपी आएगी 400 पार होगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को खत्म कर देंगे, ये पूरा लिटमस टेस्ट पूर्वांचल में होना है। लेकिन राजीव जी आपने सही कहा, मैं खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल का ही वो अंतिम चुनाव है और कल ही फैसला होगा। और इससे पहले मैं फिर आंकड़े बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 50 प्लस रहेगा, याद रखिए, और पूरे देश में 330 से ज्यादा संख्या होगी, तो ये याद रखिए। मनोज ऑन अ लाइटर नोट, 79 से 50 प्लस कैसे आ गए आप? मैं अब ये आंकड़ों के संपूर्ण आंकड़ों पे आपने बात करा तो मैंने बता दिया। चलिए, तो ये गहरा आंकड़ा है 50 प्लस का राजीव जी।